हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आ चुका हूँ मैं आपके लिए एक और अमेजिंग और धमाकेदार वीडियो लेके गाइस। और आज मैं लेके आया हूँ हेलो किटी कलेक्शन की वीडियो गाइस। और आज है गाइस हमारे पास हेलो किटी का एक काफी अमेजिंग और काफी बड़ा स्टेशनरी सेट दोस्तों। और दोस्तों है हमारे पास काफी सारी ज्योमेट्रिया बॉक्स गाइस। बिना स्किप करे पूरी वीडियो एंड तक देखना, फिर आप मुझे कमेंट करके बताना आपको इन सारी चीजों में सबसे अच्छी चीज क्या लगी गाइस। वीडियो अच्छे लगे तो कर देना वीडियो को लाइक दोस्तों, और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। और सब्सक्राइब कर रखा है तो थैंक यू सो मच फैमिली की तरफ से। बस मैं आपसे आज एक क्वेश्चन पूछता हूं, कौन कौन है अपने पापा की किटी? लिखो मैं हूं अपने पापा की किटी और ब्रैकेट में अपना नाम दोस्तों। फटाफट मुझे बताओ दोस्तों कमेंट में। चलो पहली चीज दिखाता हूं। पहली है गाइस हमारे पास हेलो किटी की काफी सुंदर और काफी प्यारी ज्योमेट्री बॉक्स। इस ज्योमेट्री बॉक्स को मैंने 120 रुपीज की परचेज करी है। और इस ज्योमेट्री बॉक्स में गाइस हमें नेविगेशन मिल जाता है, दो शार्पनर मिल जाता है। और दोस्तों सबसे अच्छी चीज क्या है वो आगे मैं दिखाऊंगा। तो इसके ढक्कन को ओपन करते ही गाइस हमें काफी अमेजिंग चीज मिलती है इसके अंदर से। और मिलता है एक लैंप दोस्तों, वाओ काफी जबरदस्त, काफी अमेजिंग। इसमें हमें सेल डालना पड़ेगा फिर ये लैंप चालू हो जाएगा दोस्तों। काफी गजब का एक चिवल लैंप मिल जाता है दोस्तों, काफी अमेजिंग। और साथ ही हमें इसके अंदर 1 2 3 4 5 पेंसिल लॉक मिल जाते हैं, काफी अच्छा स्पेस मिल जाता है। नेविगेशन देखो दोस्तों, नेविगेशन मिल गया। शार्पनर की क्वालिटी देखो तो दोस्तों काफी अमेजिंग। दो शार्पनर में मिलते हैं, एक छोटा एक बड़ा शार्पनर मिल जाता है, काफी प्यारा है। 120 रुपीज की परचेज करी है ये ज्योमेट्री बॉक्स। वेबसाइट की बात करते हैं, बैक साइड दिखाता हूं तो बैक साइड कुछ इस तरह का इंटरफेस अपार्टमेंट मिल जाता है जिसमें हम अपना कुछ भी स्टडी मटेरियल रख सकते हैं। तो पहली ज्योमेट्री बॉक्स थी ये हमारे पास, चलो इस साइड रखते हैं। नेक्स्ट चीज दिखाता हूं, नेक्स्ट है गाइस हमारे पास हेलो किटी की स्टेशनरी सेट दोस्तों, जिसे हम बोलते हैं स्टैंड बाय मी दोस्तों। काफी प्यारी और काफी अमेजिंग है। 135 रुपीज का परचेज किया ये स्टेशनरी सेट दोस्तों। और इसमें हमें क्या क्या चीजें मिलती है चलो ओपन करता हूं बॉक्स, और कैसी क्वालिटी की चीजें मिलती है हमें इस स्टेशनरी सेट के अंदर। चलो निकाल लेते हैं हेलो किटी स्टेशनरी सेट को। और इसमें देखो दोस्तों हमें कितनी सारी चीजें मिल जाती है इसके अंदर गाइस। हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 आइटम मिल जाते हैं। और सबसे अमेजिंग चीज तो दोस्तों इस स्टेशनरी सेट में हमें मिलती है एक सीजर, काफी प्यारे और काफी अमेजिंग पेपर कट सीजर मिलते हैं। क्वालिटी काफी जबरदस्त है, काफी अमेजिंग है। चलो किसी एक चीज को काट के देखेंगे ये सीजर वर्क करता है या नहीं करता दोस्तों। चलो साइड रखते हैं, नेक्स्ट चीज दिखाता हूं। नेक्स्ट गाइस हमें इसके अंदर मिलता है 15 सेंटीमीटर का एक रूलर दोस्तों, ये देख सकते हो हेलो किटी का रूलर मिल जाता है। क्वालिटी काफी जबरदस्त है, काफी अमेजिंग मिल गया हमें एक रूलर दोस्तों। और क्या मिलता है इसके अंदर, इसके अंदर गाइस हमें मिलते हैं दो वुडन पेंसिल दोस्तों। दोनों पेंसिल के ऊपर हेलो किटी की फोटो छपी हुई है दोस्तों। बस आपको आज कमेंट करके बताना है दोस्तों कौन है अपने पापा की किटी गाइस, और ब्रैकेट में अपना नाम भी लिखना है दोस्तों याद करके। और प्लीज मुझे बताना जरूर कौन कौन है अपने पापा की किटी, और मैं भी तो देखूं किसके पापा बहुत ज्यादा प्यार करते हैं दोस्तों। चलो इस पेंसिल को साइड रखते हैं, देखते हैं और क्या मिलता है इसके अंदर। और दोस्तों हमें इसके अंदर एक नहीं दो हमें मिलते हैं पेंसिल कैप दोस्तों। वाओ यार ये देखो, दो पेंसिल कैप मिल गए तो देखो दोस्तों काफी अमेजिंग। जब हमारी पेंसिल शार्प हो जाती है, जब हम अपने बैग में रखते हैं तो नोक हमारी टूट जाती है पेंसिल की, इसीलिए गाइस हमें इसके अंदर मिलती है पेंसिल कैप दोस्तों, काफी अमेजिंग यार। और पेंसिल कैप तो हमें किसी भी स्टेशनरी सेट में नहीं मिलता दोस्तों, बस हमें पेंसिल मिलती है दोस्तों हर स्टेशनरी सेट में, बट इसमें हमें पेंसिल कैप भी मिल गई है दोस्तों। और मिला है गाइस एक इरेजर दोस्तों, काफी सुंदर और काफी प्यारी सी दोस्तों। और क्या मिलता है इसके अंदर, तो इसके अंदर मिलती है एक हेलो किटी की ये एक डायरी दोस्तों, ये देखो डायरी है, ड्राइंग बुक मिलती है। चलो देखते हैं, डायरी मिलती है, काफी अमेजिंग, काफी सुंदर यार, काफी प्यारे डायरी मिल गई, काफी सारे पेजेस मिलते हैं। चलो एक पेज को काट के देखते हैं ये डायरी कैसी है दोस्तों, मतलब ये डायरी नहीं ये सीजर कैसी है दोस्तों। चलो एक पेज को कट करते हैं, तो इसी एक पेज को कट कर देते हैं हम। और देखो ये देखो कितने आसानी से पेज कट कर दिए यार, ये देखो कितने अच्छी क्वालिटी की गाइस हमें सीजर मिल जाती है, ये देखो। अरे वाह ये देखो दोस्तों पेपर कट सीजर कितना जबरदस्त है, कितना शार्प है यार, काफी अमेजिंग। देख सकते हो दोस्तों कितने आसानी से, कितने अच्छी तरह से ये पेपर को कट कर रहा है, यानी काफी अच्छी क्वालिटी का गाइस हमें सीजर मिल जाता है इस स्टेशनरी सेट के अंदर। और सबसे अच्छी बात है गाइस हमें मिलता है इसके अंदर जंबो शार्पनर, छोटा शार्पनर नहीं मिलता हमें इसके अंदर, मिलता काफी बड़ा सा शार्पनर। और आप देख सकते हो कितना अमेजिंग शार्पनर है दोस्तों, काफी बड़ा और काफी प्यारा शार्पनर, और जूस की मशीन की तरह ये शार्पनर है दोस्तों।
दोस्तों हम इस जगह दोस्तों पेंसिल को इस तरह से लॉक करके घुसा देंगे और फिर पेंसिल को शार्प करेंगे और जितना भी कूड़ा होगा पेंसिल का वो इस ट्रे में आ जाएगा दोस्तों। काफी बड़ा ट्रे है दोस्तों, इसमें दोस्तों काफी सारा कूड़ा भी आ जाएगा। और मशीन देखो दोस्तों कितनी जबरदस्त, कितनी अमेजिंग है। ये जंबो शार्पनर मिल जाता है, जंबो शार्पनर तो दोस्तों हमें किसी भी स्टेशनरी सेट में नहीं मिलता। इतने बड़ी बड़ी स्टेशनरी सेट भी लाया तो उसमें हमें जंबो शार्पनर नहीं मिला, बट हमारे इस स्टेशनरी सेट में जंबो शार्पनर मिल चुका है दोस्तों, काफी अमेजिंग। चलो एक पेंसिल को शार्प करके दिखाऊंगा कैसे पेंसिल शार्प होती है, पहले उससे पहले देखते हैं और क्या मिलता है इसके अंदर। तो इसके अंदर गाइस हमें मिलते हैं एक हेलो किटी की काफी जबरदस्त और काफी प्यारी सी ज्योमेट्री बॉक्स जिसके ऊपर हेलो किटी लिखी है। डिजाइन देखो दोस्तों कितना जबरदस्त है। और बैक साइड में देखो दोस्तों हमें टेबल देखने को मिल जाती है और कुछ अल्फाबेट्स देखने को मिल जाते हैं इस ज्योमेट्री बॉक्स के पीछे। दोस्तों अंदर की बात करें तो अंदर ओपन करते हैं ज्योमेट्री बॉक्स को तो ये देखो दोस्तों काफी सारा स्पेस मिल जाता है। चलो सारी चीजों को रखते हैं और देखते हैं कितना आ जाएगा गाइस हमारा इसके अंदर स्टडी मटेरियल। दोस्तों ये भी देखो, ये पेंसिल भी रख देंगे दोस्तों, पेंसिल ये देखो पेंसिल भी आ गई, दोनों पेंसिल को रख देंगे, स्पेस काफी जबरदस्त है। ये देखो सारी चीजें आ गई और काफी आसानी से बंद भी हो गई ज्योमेट्री बॉक्स दोस्तों। तो ये थी गाइस हमारी हेलो किटी स्टेशनरी सेट। आपको इसमें सबसे अच्छी चीज क्या लगी प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मुझे तो सबसे ज्यादा अच्छा ये इसका शार्पनर लगा गाइस, और जो इसके अंदर पेंसिल कैप मिल रही वो मुझे काफी जबरदस्त लगी दोस्तों। चलो इसे साइड रखते हैं, नेक्स्ट चीज देखते हैं। नेक्स्ट है गाइस हमारे पास हेलो किटी की काफी जबरदस्त और काफी प्यारी सी ज्योमेट्री बॉक्स। इसे मैंने 180 रुपीस की परचेज करी। चलो क्या खास है देखते हैं दोस्तों। तो इसे ओपन किया दोस्तों, ओपन करते ही गाइस हमें इसके अंदर मिलता है एक मार्कर। वाओ यार काफी अमेजिंग। इसके आगे तो डस्टर भी है गाइस, और क्या मिलता है इसके अंदर 1 2 3 4 5 पांच पेंसिल लॉक मिल जाते हैं। स्पेस देख सकते हो दोस्तों कितना सारा स्पेस है इस ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर। चलो इसे बंद करते हैं, बैक साइड की बात करते हैं, बैक साइड ओपन करते हैं ढक्कन को। तो ढक्कन को ओपन किया तो काफी अच्छा स्पेस और बड़ा कंपार्टमेंट मिल जाता है दोस्तों। और इसके अंदर तो गाइस हमारा काफी सारा स्टडी मटेरियल भी आ जाएगा। और ये क्या है गाइस, ये क्या है, इसे ओपन करते हैं, ओपन करके देखते हैं दोस्तों ये क्या है। ओपन करते ही दोस्तों इसके अंदर मिलता हमें एक मार्कर बोर्ड, यानी एक व्हाइट बोर्ड मिल जाता है काफी जबरदस्त। इस मार्कर से हम इस व्हाइट बोर्ड पे अपना वर्क कर सकते हैं और फिर डस्टर से मिटा सकते हैं दोस्तों। काफी जबरदस्त क्वालिटी देख सकते हो दोस्तों कितनी अमेजिंग है। और इस व्हाइट बोर्ड के बॉर्डर पे देखो स्टार 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 बना हुआ है, काफी अमेजिंग काफी सुंदर ज्योमेट्री बॉक्स है। 180 रुपीज की परचेज करिए दोस्तों। चलो इसे साइड रखते हैं, नेक्स्ट चीज देखते हैं। नेक्स्ट है गाइस हमारे पास हेलो किटी की ये कार बस। गाइस काफी अमेजिंग है, काफी प्यारी ज्योमेट्री बॉक्स है। और इसके नीचे तो गाइस हमें चार चार व्हील मिल जाते हैं दोस्तों। ये देखो, यानी गाइस हम बोर हो रहे होंगे तो इस ज्योमेट्री बॉक्स के साथ हम अपना टाइम पास भी कर सकते हैं दोस्तों। व्हील मिल गए काफी अच्छे। चलो इसके अंदर के स्पेस की बात करते हैं। इसे मैंने 80 या 90 रुपीज की परचेज करी। ओपन करते हैं और सबसे अच्छी बात है मेटल की है गाइस, जिसे टूटे ही नहीं। बाकी जितने भी ज्योमेट्री बॉक्स है ये दोनों ज्योमेट्री बॉक्स गाइस हमारी प्लास्टिक की थी। चलो इसे ओपन करते हैं, इसमें देखते कितना स्पेस है गाइस हमारा। तो इसे ओपन करें, ओपन करते गाइस हमें कुछ इस तरह इंटरफेस मिलता है। इसमें ट्रे है गाइस जो अंदर घुसी हुई है, ट्रे को निकालेंगे तो ट्रे थोड़ा सा निकालने में टाइम लगेगा दोस्तों। ट्रे को निकाल लिया और ट्रे के ऊपर गाइस हमें हेलो किटी की फोटो देखने को मिल जाती है और कुछ टेबल देखने को मिल जाते हैं दोस्तों। और जब हम ट्रे को हटाएंगे तो काफी अच्छा कंपार्टमेंट मिल जाएगा और इसमें गाइस हमारा काफी सारा स्टडी मटेरियल आ जाएगा दोस्तों। एक और कंपार्टमेंट मिलता है दोस्तों हमें इसके अंदर गाइस, ये देखो दोस्तों कितना गहराई वाला कंपार्टमेंट मिलता है और जिसमें चार व्हील है देख सकते हो दोस्तों। और इस वाले कंपार्टमेंट में दोस्तों हमारा काफी सारा स्टडी मटेरियल आ जाएगा। और ये देखो दोस्तों कितनी अच्छी लाइन लिखी है दोस्तों, काफी जबरदस्त काफी अमेजिंग। इस ज्योमेट्री बॉक्स से 80-90 रुपीज का परचेज किया दोस्तों। चलो साइड रखते हैं, नेक्स्ट चीज दिखा दो। नेक्स्ट है गाइस हमारे पास ये हेलो किटी का एक छोटा सा पाउच गाइस। और इस पाउच में हमें क्या मिलता है देखो दोस्तों, क्या मिलता है इसके अंदर भी गाइस हमें स्टडी मटेरियल मिलते हैं। और सबसे अच्छी बात है गाइस हम इस स्टडी मटेरियल को हटा के कुछ और भी रख सकते हैं, काफी जबरदस्त काफी अच्छी क्वालिटी का गाइस हमें पाउच मिल जाता है। देख सकते हो एक बटन है जिस पाउच को हम खोल और बंद कर सकते हैं। इसके अंदर भी गाइस हमें एक ज्योमेट्री मिलती है मेटल की दोस्तों, काफी जबरदस्त काफी अमेजिंग। आपको इन दोनों ज्योमेट्री बॉक्स में से कौन सी ज्यादा अच्छी ज्योमेट्री बॉक्स लग रही है प्लीज दोस्तों मुझे कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। और क्या मिलता है इसमें, तो इसमें गाइस हमें मिलते हैं देखो ये हेलो किटी की पेंसिल और गाइस इरेजर और देखो रूलर मिल गया, बट इसमें हमें पेंसिल कैप नहीं मिला ना दोस्तों। बट हमारे इसमें गाइस एक काफी जबरदस्त दो पेंसिल लॉक मिल गए। और देखो इसका शार्पनर कितना नॉर्मल है और इसका शार्पनर देखो दोस्तों कितना जबरदस्त है। बट मैं इसकी बात नहीं कर रहा स्टेशनरी, मैं बात कर रहा हूँ इस पाउच की दोस्तों। कितनी जबरदस्त और कितनी अच्छी क्वालिटी का पाउच है दोस्तों। स्पेस की बात करो तो काफी जबरदस्त स्पेस है इस पाउच के अंदर, आप देखो कितना सारा स्पेस है। और इसमें गाइस
जरूरी नहीं है कि हम अपना स्टडी मटेरियल रखें, हम कुछ और भी चीज़ें रख सकते हैं इस पाउच के अंदर। क्वालिटी काफ़ी ज़बरदस्त है और सबसे अच्छी बात है ये वाटर प्रूफ है गाइस, यानी इसके अंदर पानी नहीं जाएगा। काफ़ी ज़बरदस्त पाउच है दोस्तों, काफ़ी प्यारा है। चलो इसे ऐड करते हैं। केवल मैंने 100 पीस का परचेज किया इस पाउच को दोस्तों, चलो जिसमें हमें ये सारी चीजें मिल गई है। चलो इस साइड रखते हैं, नेक्स्ट ही देखते हैं। नेक्स्ट है गाइस हमारे पास काफी जबरदस्त और काफी अमेजिंग सी एक स्टेशनरी ज्योमेट्री बॉक्स गाइस, जिसके पीछे गाइस हमें अल्फाबेट देखने को मिल गए और कुछ टेबल देखने को मिल गए। और इसकी मोटाई देखो दोस्तों कितनी जबरदस्त है, और इसका लॉक भी देखो दोस्तों कितना अमेजिंग है, बिल्कुल जबरदस्त और बिल्कुल डिफरेंट टाइप का लॉक मिलता है दोस्तों हमें ज्योमेट्री बॉक्स में। और इसे खोलते हैं और ओपन करते हैं गाइस, इसके अंदर गाइस हमें मिलती है स्टेशनरी आइटम, जिसमें हमें मिल गई एक हेलो किटी की ये वुडन पेंसिल दोस्तों, एक मार्कर मिल गया दोस्तों, एक शार्पनर मिल गया, एक इरेजर मिल गया, एक रूलर मिल गया दोस्तों, ये देखो रूलर मिल गया। और सबसे अच्छी बात है गाइस, इसके प्लास्टिक हटाइए तो हमें एक ट्रे मिलती है, जिसके ऊपर गाइस हमें मैथमेटिक्स के कुछ बॉक्स मिलते हैं, यानी फिल इन द ब्लैंक्स बोल सकते हैं, फिल इन द बॉक्स बोल सकते हैं। तो जैसे मैंने इसमें एक मार्कर मिला तो इसमें मैं कर दूंगा 22 इक्वल टू 24 है ना, ऐसे ही कर सकते हैं हम 1 और 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 24 है ना। तो सम्स के हमें बॉक्स मिल गए काफी अमेजिंग, और सबसे अच्छी बात है गाइस हमें इसमें अल्फाबेट भी मिल जाते हैं दोस्तों, काफी अच्छे बॉक्स मिल गए, मैथमेटिक्स बॉक्स मिल गए, ये मार्कर का यूज है। और फिर जब हम सारा रफ वर्क कर लेंगे तो इसे हम डस्टर से मिटा देंगे, ये देखो है ना, काफ़ी ईजिली और काफ़ी आसानी से मिट भी गया। और गाइस इस ट्रे को हटाते हैं तो नीचे गाइस हमें काफ़ी अच्छा कंपार्टमेंट मिलता है, जिसमें हम दोस्तों काफ़ी सारा स्टडी मटेरियल रख सकते हैं दोस्तों, आप देख सकते हो। और इसे ओपन करते हैं तो गाइस हमें इसे व्हाइट बोर्ड मिलता है, हेलो किटी का व्हाइट बोर्ड मिल जाता है, इस पर भी गाइस हम अपना रफ वर्क कर सकते हैं। ये देखो वी के लिख दिया, फन लिख दिया दोस्तों, और फिर इसे बहुत ही ईजी से मिटा देंगे, ये देखो व्हाइट बोर्ड भी मिल गया। और हमें मैथमेटिक्स बॉक्स भी मिल गए गाइस, और दोस्तों इस व्हाइट बोर्ड को हटाते हैं ना, इस वाले कंपार्टमेंट को हटाते हैं तो नीचे भी दोस्तों हमें एक कंपार्टमेंट मिलता है, जिसके अंदर काफ़ी सारे स्टडी मटेरियल आ जाएगा, जैसे मैं आपको दिखाऊं। तो ये देखो ये सारी चीज़ें आ जाएंगी दोस्तों, काफ़ी आसानी से काफ़ी ईजिली सारी चीज़ें आ जाएंगी, और फिर इस ज्योमेट्री बॉक्स को बंद करके रख देंगे दोस्तों। ये देखो है ना काफ़ी जबरदस्त, काफ़ी प्यारी, केवल मैंने 170 रुपीज़ की ये स्टेशनरी ज्योमेट्री बॉक्स परचेज करी है दोस्तों। चलो साइड रखते हैं, नेक्स्ट दिखाता हूँ। नेक्स्ट है गाइस हमारे पास ये हेलो किटी की ज्योमेट्री बॉक्स दोस्तों, लुक तो वैसे मिक्की माउस का, बट है ये दोस्तों हेलो किटी की ज्योमेट्री बॉक्स, काफ़ी सुंदर काफ़ी प्यारी ज्योमेट्री बॉक्स है। इसमें दोस्तों हमें काफ़ी सारे कंपार्टमेंट मिलते हैं, एक नहीं दो नहीं तीन कंपार्टमेंट मिलते हैं। कैसे मिलते हैं चलो मैं दिखाता हूँ। तो ये देखो पहले तो इसे ओपन किया, इस ढक्कन को ओपन करते गाइस हमें एक कंपार्टमेंट मिलता है, ये देखो एक छोटा सा कंपार्टमेंट, इसमें छोटी छोटी आइटम रख सकते हैं अपना स्टडी का। इसे बंद करते हैं तो एक और कंपार्टमेंट मिलता है, इस ढक्कन को ओपन करते गाइस इस तरह इंटरफेस मिलता है, इसमें हमें एक दो तीन कंपार्टमेंट मिलते हैं। एक में तो गाइस हमें पेंसिल लॉक मिल जाता है, एक छोटा सा कंपार्टमेंट है दोस्तों, एक थोड़ा बड़ा कंपार्टमेंट है, काफ़ी अच्छे स्पेस मिल जाता है हमें। ज्योमेट्री बॉक्स की गहराई भी काफ़ी अच्छी है दोस्तों। चलो इसे बंद करते हैं, बैक साइड की बात करते हैं, बैक साइड के ढक्कन को ओपन करते हैं, यानी एक और कंपार्टमेंट मिलता है दोस्तों, ये देखो। और इसमें भी दोस्तों हमारा काफ़ी सारा स्टडी मटेरियल आ जाएगा, ये देखो है ना काफ़ी गजब काफ़ी सुंदर मिकी माउस लुक में है ये ज्योमेट्री बॉक्स। और तीन कंपार्टमेंट मिलते हैं, ये देखो आपको तीन ढक्कन मिलते हैं, ये देखो है ना काफ़ी जबरदस्त काफ़ी अमेजिंग। केवल मैंने 140 रुपीज़ की परचेज करी है दोस्तों इस हेलो किटी ज्योमेट्री बॉक्स को दोस्तों, काफ़ी जबरदस्त काफ़ी प्यारी ज्योमेट्री बॉक्स है। चलो इस साइड रखते हैं, नेक्स्ट दिखाता हूँ। नेक्स्ट है गाइस हमारे पास काफ़ी अमेजिंग काफ़ी सुंदर सी ये हेलो किटी की ज्योमेट्री बॉक्स दोस्तों, काफ़ी प्यारी है। और ये देखो चौड़ाई देखो दोस्तों हमारी दो ज्योमेट्री के बराबर ये पेंसिल बॉक्स है, ये देखो इतनी तो चौड़ाई है दोस्तों, काफ़ी ज़बरदस्त चौड़ाई की ये पेंसिल बॉक्स है। केवल मैंने इसे 90 रुपीज़ की परचेज करी है। ओपन करता हूँ तो हेलो किटी की फोटो छपी है इसके ऊपर, काफ़ी ज़बरदस्त लग रही है। इसे ओपन करता हूँ तो ओपन करते कुछ इस तरह इंटरफेस मिलता है, जिसके ऊपर गाइस जिसके अंदर गाइस हमें टेबल देखने को मिल जाते हो और स्पेस काफ़ी ज़्यादा मिल जाता है। और इस कंपार्टमेंट का साइज देखो दोस्तों कितना बड़ा साइज का कंपार्टमेंट है दोस्तों, काफ़ी ज़बरदस्त काफ़ी अमेजिंग। बंद करते हैं तो फ्रंट ढक्कन को ओपन करते हैं, फ्रंट ढक्कन में भी दोस्तों काफ़ी अच्छा स्पेस मिल जाता है, काफ़ी बड़ा कंपार्टमेंट मिलता है। इसके अंदर गाइस हमें 1 2 3 4 5 पेंसिल लॉक मिल गए दोस्तों, और इसके अंदर स्पेस तो भर भर के स्पेस है, यानी हमारा काफी सारे स्टडी मटेरियल आ जाएगा। 5 पेंसिल को लॉक करने के बाद भी हमें काफी अच्छा स्पेस मिल जाएगा ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर दोस्तों। चलो इसे हटा देते हैं, नेक्स्ट दिखाता हूँ। नेक्स्ट आपको मैं दिखाता हूँ ये बास्केटबॉल ज्योमेट्री बॉक्स दोस्तों, ये देखो बास्केटबॉल है गाइस, इसे हम इसके अंदर इस पिन को इस तरह दबाएंगे और फिर बॉल को इस बास्केट के अंदर डालनी है। तो काफी जबरदस्त है गेम वाली ज्योमेट्री बॉक्स है, और इसमें हमें पासवर्ड से ये ढक्कन ओपन होता है, विदाउट पासवर्ड हमारा ये ढक्कन कोई भी ओपन नहीं कर सकता दोस्तों। और इसके अंदर गाइस पासवर्ड क्या है 235,
तो 2 को हम ऊपर कर देंगे, 3 को ऊपर कर देंगे, 5 को ऊपर कर देंगे, ऑन का बटन ऑन करेंगे तो ये ढक्कन ओपन हो जाएगा। देखो दोस्तों ढक्कन ओपन हो गया, काफ़ी अमेजिंग। और इसके अंदर गाइस हमें एक ट्रे मिलती है जिसके अंदर गाइस हमें मोल्ड्स मिल जाते हैं। ये देखो दोस्तों मोल्ड्स मिल गए, और मोल्ड्स तो दोस्तों हमें किसी भी ज्योमेट्री बॉक्स में नहीं मिलते गाइस। देखो हमें गेम भी किसी ज्योमेट्री बॉक्स में जल्दी नहीं मिलते दोस्तों, और मोल्ड्स भी किसी ज्योमेट्री बॉक्स में नहीं मिलते। हमें दोनों चीज़ इसमें मिल गई, गेम भी मिल गए और मोल्ड्स भी मिल गए। और इस ट्रे में तो काफ़ी अच्छा स्पेस भी है, और इसमें हमें और इस ट्रे में तो दोस्तों हम अपना स्टडी मटेरियल भी रख सकते हैं। काफ़ी ज़बरदस्त मोल्ड्स, देखो दोस्तों कितने मोल्ड्स मिल गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 तरह के मोल्ड्स मिल गए। ये देखो यार ये भी कितना ज़बरदस्त मोल्ड है ना, काफ़ी यूनिक मोल्ड्स मिल गए दोस्तों। और इस ट्रे को हटाएंगे तो नीचे भी दोस्तों काफ़ी अच्छा स्पेस मिल जाता है, जिसमें हमारा काफ़ी सारा स्टडी मटेरियल आ जाएगा दोस्तों। और इस ज्योमेट्री बॉक्स में देखो 3 चीज़ें हैं, मोल्ड्स, ट्रे, और ये देखो दोस्तों गेम भी काफ़ी मिल गया, गेम भी मिल गई दोस्तों हमें इसके अंदर। और गाइस हमें इसमें पासवर्ड भी मिल गया, जिससे हमारी सारी चीज़ें काफ़ी सेफली रहेंगी दोस्तों, और इस ज्योमेट्री बॉक्स को कोई भी नहीं खोल सकता। और जब हमारे हमें पासवर्ड याद हो जाएगा तो हम इस स्टिकर को हटा देंगे दोस्तों, जिससे किसी और को पता ही नहीं चलेगा दोस्तों हमारे इस ज्योमेट्री बॉक्स का पासवर्ड क्या है। तो काफ़ी अमेजिंग है दोस्तों, और ये था आज का कलेक्शन। आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो अच्छी लगे तो कर देना वीडियो को लाइक दोस्तों। अगर आपको किसी भी कलेक्शन की वीडियो, टॉय अनबॉक्सिंग की वीडियो देखनी है या टॉय कलेक्शन की वीडियो देखने या ज्योमेट्री बॉक्स की वीडियो देखने, आप मुझे कमेंट करके बोल सकते हो, मैं उस कलेक्शन का उस टॉय अनबॉक्सिंग की वीडियो जरूर लेके आऊंगा दोस्तों। प्लीज अच्छे अच्छे कमेंट किया करो, और अपने सजेशन भी कमेंट में दिया करो, क्योंकि मैं सबके कमेंट रीड करता हूं, सबके कमेंट को लाइक भी करता हूं। आपको यकीन ना हो जाओ मेरे किसी भी वीडियो को ओपन करो, उसके कमेंट रीड करो, मैंने सबके कमेंट को लाइक कर रखा है। सो प्लीज दोस्तों कमेंट करो, अच्छे अच्छे कमेंट करो, जिससे मुझे भी अच्छा लगे और मैं आपके लिए अच्छे अच्छे कलेक्शन की वीडियो भी लेते आऊंगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से वीडियो साथ, अच्छे से कलेक्शन के साथ। जब तक बाय बाय दोस्तों।